एक समय था जब छात्र जीवन में लोग अपने गुरु के आश्रम में रहकर, अपने गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन करते थे, शिक्षा हासिल करते थे। लेकिन उस शिक्षा का उद्देश्य नौकरी हासिल करना नहीं था। उस शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक उत्थान होता था, व्यक्ति में अच्छे संस्कार डालना होता था। उद्देश्य यह था कि व्यक्ति अपने नैतिकता और अच्छे संस्कारों के चलते समाज का विकास कर सके, समाज के विकास में खुद को एक आदर्श के रूप में स्थापित कर सके। उस दौरान गुरु लोग भी अपने विद्यार्थियों से फीस नहीं लेते थे। हाँ, प्रत्येक छात्र अपनी स्वेच्छा से, अपनी हैसियत से गुरु को कुछ दक्षिणा देता था, जिसे हम गुरु दक्षिणा कहते थे। उस समय शिक्षा और गुरु का इतना महत्व होता था कि गुरु दक्षिणा की वस्तु कुछ मुट्ठी अनाज भी हो सकता था या आधा साम्राज्य भी हो सकता था, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि गुरु दक्षिणा स्वेच्छा से और हैसियत के हिसाब से दी जाती थी। लेकिन आधुनिक युग में जब शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास के साथ साथ, व्यक्तिगत विकास के साथ साथ, जब शिक्षा का उद्देश्य नौकरी हासिल करना भी हो गया, तो अध्यापक लोग भी फीस लेने लगे, और ये स्वाभाविक भी था। यकीन मानिए, अगर आपके अंदर आईएएस बनने की काबिलियत है, आप खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं, आपका दिमाग इतना सक्षम है, यानी आप दिमागी रूप से इतने सक्षम हैं कि कुछ न्यूज़पेपर, मैगजीन और किताबों को पढ़कर भारत के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वैज्ञानिक प्रगति, हमारी विदेश नीति, समाज और समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, जरा सा सही मार्गदर्शन यानी गाइडेंस आपको डीएम या एसडीएम की कुर्सी पर बैठा सकता है। मैंने कहा कि यदि आपके अंदर काबिलियत है, आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, अंत तक टिके रहने की क्षमता है, और आप दिमागी रूप से इतने काबिल हैं, यानी दिमागी रूप से इतने सक्षम हैं कि किताबों, मैगजीन, न्यूज़पेपर को पढ़कर तमाम घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं, तो यकीन मानिए, जरा सा गाइडेंस सही आपको आईएएस बनने के लिए या एसडीएम बनने के लिए। यानी कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कितना पढ़ें, और जो पढ़ना है उसे कैसे पढ़ें, और दिए गए समय सीमा में उत्तर को कैसे लिखें, यही वो कुछ बातें हैं छोटी छोटी, जो से समाज की नज़र में आपको चमकता हुआ सितारा बना देती हैं। लोग आपका उदाहरण प्रस्तुत करने लगते हैं। आज बाजार में अगर आप जाइए, तो सभी, लगभग सभी कोचिंग संस्थानों के हैंड रिटन नोट्स मौजूद हैं, प्रिंटेड मटेरियल मौजूद है, लगभग हर उपयोगी और अच्छी किताबें मौजूद हैं, तमाम तरह की मैगजीन्स मौजूद हैं जो तैयारी में कारगर हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग बड़े शहरों में कोचिंग संस्थानों में जाकर एडमिशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए। जो वस्तु आपको आगे बढ़ाती है, वो सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं है, वो सही मार्गदर्शन है, क्या करें क्या नहीं करें। लोग स्टडी मटेरियल नहीं बल्कि मार्गदर्शन हासिल करने के लिए कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, उसकी भी अपनी उपयोगिता है, निरर्थक नहीं होता है वो। लोगों को एक ऐसा गुरु चाहिए जो विश्वास दिला सके कि नहीं बच्चे, तुम कर सकते हो, जो लगातार मोटिवेट करे, सही दिशा दिखाए, तो क्यों नहीं किया जा सकता है। कोचिंग संस्थानों की एक भूमिका ये भी होती है कि पढ़ाई में नियमितता बनी रहती है, यानी स्टडी मटेरियल तो मिलता ही है, मार्गदर्शन मिलता है, पढ़ाई में नियमितता बनी रहती है, उत्साह बना रहता है, क्योंकि कई लोगों के साथ हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना। आज मार्गदर्शन करने वाली जो बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके नाम आप जानते होंगे, उन सभी ने लगभग सभी बड़े शहरों में अपने ब्रांचेज स्थापित कर लिए हैं, चाहे दिल्ली हो, ग्वालियर हो, जयपुर हो, लखनऊ हो, पटना हो, इलाहाबाद हो, पुणे, चेन्नई हो। तो बड़ी कोचिंग संस्थानों में इसी मार्गदर्शन की आवश्यकता को समझते हुए लगभग सभी शहरों में अपने ब्रांचेज स्थापित कर लिए हैं। शायद आपको पता ही नहीं होगा कि एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलग अलग ब्रांचेज में आईएएस की तैयारी करने वाले कुल छात्र छात्राओं की संख्या 10,000 से भी अधिक होती है, सिर्फ एक कोचिंग संस्थान का यह आंकड़ा दे रहा हूं। और फीस लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच होती है, 1.5 से, जो वास्तविकता है, हमें उसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर एक डिस्कशन होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन, उसमें कोई नुकसान नहीं है, है ना। तो इनके अलग अलग ब्रांचेस में 10,000 से अधिक छात्र छात्राएं हैं आईएएस की तैयारी करने वाले, और फीस लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच होती है।
मुझे पता है कि ये सुनने के बाद आप क्या करने वाले हैं, आप में से कुछ लोग, सभी तो नहीं। मुझे पता है कि आंकड़ा जानने के बाद आप क्या करने वाले हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कुछ लोग हमेशा खुरापाती होते हैं, जो हमेशा आंकड़े में उलझे रहते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी को इन सब में नहीं उलझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकाउंटेंट नहीं है, आप एक विद्यार्थी हो। आपका टारगेट क्या है? हासिल करना IAS। तो आपको एक अकाउंटेंट की तरह न सोचकर अपने लक्ष्य को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ बनने के लिए, जीवन में कुछ बड़ा काम करने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत बड़ा जरूरी है। ये सबसे बड़ी वस्तु है जो आपके भीतर मौजूद होनी चाहिए, सकारात्मक सोच। इस दुनिया में जितने लोगों ने बड़े काम किए हैं, मुकाम हासिल किए हैं, IAS तो फिर भी छोटी चीज़ है, इससे बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं लोगों ने, बहुत नाम कमाया है, वो दूसरों से तुलना करके नहीं हुआ है, दूसरों की प्रगति से जल कर नहीं हुआ है, वो निरपेक्ष रूप से अपने व्यक्तिगत उत्थान में लगे हैं। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत उत्थान के साथ साथ इस समाज और देश के लिए कुछ करना भी था। धीरे धीरे जो है कि जमाना बदला, बदलते जमाने के साथ तकनीक बदलती चली गई, तकनीक बदली तो आज हर वस्तु लगभग लगभग ऑनलाइन है, उपलब्ध है, यहाँ तक कि शिक्षा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। आप हासिल कर ही रहे हैं तो हर वस्तु के साथ साथ शिक्षा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। बड़ी कोचिंग संस्थानों की महंगी फीस, बड़े शहरों में रहन सहन का महंगा खर्च, खाने पीने का महंगा खर्च, परिवहन का महंगा खर्च, इन सब के चलते ऑनलाइन शिक्षा का महत्व हाल के वर्षों में, 4-6 वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बड़े शहरों में जो भी कोचिंग संस्थान है, वहाँ पे आप जो खर्च करते हैं उसका आकलन करना भी एक बार जरूरी है। बड़े कोचिंग संस्थान, बड़े ऑफलाइन संस्थान, बड़े ऑफलाइन संस्थान में औसतन हम मान के चलें तो आप पूरे कोर्स का 1,50,000 रुपए पे करते हैं। अगर आप अलग अलग संस्थानों में भी कुछ कोर्स ज्वाइन करते हैं तब भी लमसम आपका ही खर्च आता है, 1,50,000 रुपए। समस्याएं क्या हैं हम फिर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप जब रहने के लिए कोई रूम लेते हैं तो औसतन 1 महीने के लिए आप औसतन हम मान के चलते हैं, बड़े संस्थान, बड़े शहरों में तो एक रूम का रेंट अब 10,000 से 12,000 रुपये भी है, लेकिन फिर भी हम औसतन 6,000 रुपये मान रहे हैं 1 महीने का, है ना। तो इस तरह से 12 महीने का खर्च निकलता है लगभग लगभग 1,00,000 मान के चले इसे भी, क्योंकि अन्य खर्चे भी साथ साथ जुड़े रहते हैं। कैसे? 12,00,000 तो बेहतर ही होता है, लेकिन बिजली का बिल, कूड़े वाले का खर्च, पानी का बिल, तमाम चीज़ें जोड़कर लगभग 1,00,000 रुपया आप यहाँ पे खर्च कर देते हैं। एक साल का खर्च हम ले रहे हैं, है ना, एक साल में कोचिंग का खर्च, रहने का खर्च, इसके अलावा फूड या टिफिन कह लें, फूड या टिफिन पर भी आप मंथली कितना दे सकते हैं। आप अगर बहुत चीप करते हैं, बहुत सस्ता करते हैं, तब भी आप मंथली 3,000, बहुत सस्ता जिसमें कि गुणवत्ता खाने की बहुत ही खराब रहती है, 6,000 मंथली में भी लगाने पर खाने की गुणवत्ता दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ही खराब रहती है, वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहता है। 2 से 3 दिन खाने के बाद आपका मन ऐसा उब जाता है कि जैसे ही टिफिन आता है आप उसे खोलते हैं ना और मुंह में एक कौर अनाज डालते हैं, यकीन मानिए विरक्ति हो जाती है, देखने का मन नहीं करता है। खाने पीने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है बड़े शहरों में, और व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए। जब तक आदमी अच्छा खाएगा नहीं, अच्छा सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन में खीज उत्पन्न होने लगती है, 1 महीने बीतते बीतते जैसे लगता है कि बचना मुश्किल है। तो एक खराब खाने की गुणवत्ता, खराब गुणवत्ता वाले खाने के लिए भी आप मंथली अगर 3,000 रुपये देते हो, हालांकि 3,000 ये नहीं है, मैं ईमानदारी से बताऊं तो ये ढंग के शहर में आप रहते हैं तो ये आपका मंथली कम से कम कुल मिला जुला के 4,000 मिनिमम खर्च होता है, जो कि मंथली होता है लगभग 50,000 जा रहा है ना, लगभग 50,000 आप यहाँ खर्च करते हो। इसके अलावा बड़े शहरों में जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए परिवहन, कपड़े इत्यादि इत्यादि, है ना, जीवन, कपड़े, इंटरनेट, एवरीथिंग पर, परिवहन पर, सब मिला जुला कर अन्य खर्च को अगर हम जोड़ लें तो
तो आप एक बार हमको विश्लेषण जरूर कर लेना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये भी आपका लगभग जाता है कम से कम सालाना 50,000, ये मिनिमम होता है। मतलब बहुत ज़्यादा आप दबा कर चलते हैं, अपने मन को बहुत समझा कर चलते हैं, तब भी अन्य खर्च 50,000 हो जाते हैं मिनिमम। हालांकि 50,000 नहीं होता, ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कुल खर्चों को जोड़ लें एक बार, है ना, हमको देख के चलना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुल खर्च ये दोनों लेकर 2.5, 3, 3.5, 1 साल का खर्च जो आपको पड़ता है 3,50,000। 3,50,000 रुपए आप लगभग लगभग खर्च कर डालते हो बड़े शहर में कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करने में। इसके अलावा ये एक समस्या है। ये क्या है? क्योंकि ये सबके पास उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों के पास नहीं भी उपलब्ध है तब भी वो एक का इंतजाम करते हैं, खेत बेचते हैं, ग्रामीण लोग कर्ज लेते हैं या अपने पिता माँ पे दबाव बनाकर घर की कुछ वस्तुएं निकालते हैं जिससे कि हासिल किया जा सके और आईएएस बनने के लिए अपना सर्वोत्तम दिया जा सके। बहुत से लोग ये करते हैं और व्यवस्था कर लेते हैं इतने रुपयों के लिए। एक साल बीत जाता है बड़े शहरों में, 2 साल बीत जाता है, 3 साल बीत जाता है। समय बीतने के साथ साथ ऐसा लगने लगता है कि उनके सामने कोई रास्ता तक नहीं बचा है क्योंकि घर वो नहीं लौट सकते। मुश्किल हो जाता है क्योंकि रुपए पैसों की व्यवस्था करने के फेर में घर में इतना दबाव बढ़ता चला जाता है कि वो खाली हाथ घर में लौटना नहीं चाहते हैं। ये तो एक समस्या है। इसके अलावा इससे बड़ी कुछ और समस्याएं हैं। एक गांव में पला बढ़ा विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन गांव से किया है, अपने माँ बाप के समीप रहकर गांव के परिवेश में रहा है, गांव की सभ्यता संस्कृति रिवाज होता है, एक गांव में एक स्थानीयता होती है। ऐसा लड़का जब आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर पहुँचता है तो वहाँ का जो वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था है, वहाँ का जो वैश्वीकृत समाज है, वो उसको मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ कर रख देती है। वहाँ का जो ग्लैमर है, रहन सहन है, उच्च जीवन स्तर है, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते करते वो थकने लगता है। एक गांव का लड़का जिसको ये सिखाया गया है कि लड़कियों को अपनी माँ और बहनें मानो, जब वो देखता है कि बड़े शहरों में अर्धनग्न परिधान पहन के लड़कियां और औरतें टहल रही हैं, वो अपनी जगह सही हैं क्योंकि वहां पर रह रही हैं, विकसित प्रकार के समाज में रह रही हैं, लेकिन एक गांव का लड़का इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, वो उसके गलत अर्थ निकालता है। तो इस चक्कर में कभी कभी गलत संगत में पड़ने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है और अगर गलत संगत से बच गए तो भावनात्मक स्तर पर जूझते जूझते व्यक्ति थक जाता है। भावनात्मक रूप से उबरते हुए इन चीज़ों से व्यक्ति को काफ़ी समय लग जाता है। वो पढ़ाई करने की जगह उसकी सोच में दूसरी अनावश्यक चीज़ें भी प्रवेश कर सकती हैं जो उसके पढ़ाई और पूरे व्यक्तित्व को बाधित कर देते हैं, कभी कभी पूरा करियर भी चौपट हो सकता है इन बातों में उलझ कर। वही एक तरफ ऑनलाइन एजुकेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व क्यों बढ़ा है इस पर भी चर्चा करनी चाहिए और ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए क्यों बेहतर है। जब आप दिमागी रूप से इतने सक्षम हैं कि किताब, मैगजीन, न्यूज़पेपर पढ़कर घटनाक्रम का, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का, समाज का, विदेश नीति का विश्लेषण आप कर सकते हैं क्योंकि आप सक्षम हैं दिमागी रूप से और आपको बस एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, कुछ अध्यापकों की ज़रूरत है जो कि अपने अपने विषय में पारंगत हैं, जो अनुभवी हैं। ये वही अध्यापक हैं जो ऑफलाइन संस्थान से जुड़े हुए हैं और आज आपके लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, जो मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, पढ़ा सकते हैं कि यही पढ़ना है, स्टडी मटेरियल ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। तो क्यों ना हम ऑनलाइन रह के तैयारी करें, क्यों ना हम ऑनलाइन संस्थान में प्रवेश लें और अच्छे अध्यापकों से जुड़कर मार्गदर्शन प्राप्त करें। ऑनलाइन की कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए। जहां बड़े संस्थानों में कुल फीस लगभग 1.5 लाख है, 1.5 से 2 लाख के बीच है वार्षिक या एक बैच का, वहीं ऑनलाइन संस्थान में ये फीस 7 से 10 हज़ार रुपये तक होती है लगभग। हालांकि ये सबसे सस्ते ऑनलाइन संस्थानों में भी कुछ बहुत बड़े नाम हैं
जो पूरे कोर्स का आप 30 से 40 हज़ार रुपये ले रहे हैं। वहाँ पे अलग अलग विषयों का मेनू लगा हुआ है कि इतिहास प्रीकमेंस, भूगोल प्रीकमेंस, इंटरनेशनल रिलेशन प्रीकमेंस, सॉरी मुख्य परीक्षा के लिहाज से एथिक्स विषय, पूरा जैसे खाने का मेनू होता है वैसे मेनू लगा हुआ है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग विषयों को परचेस कर सकते हैं और घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बड़े जो ऑनलाइन संस्थान हैं उनमें उन्हें परचेस करना बड़ा महंगा होता है, वो भी लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये ले लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं छोटा संस्थान हूँ, टारगेट के ताल्लुक आज के समय में कोई छोटा संस्थान नहीं है। मेरे जैसा संस्थान 7 से 10 हज़ार रुपये साल भर पढ़ाने का ले रहा है, 7 से 10 हज़ार रुपये। 7 से 10 हज़ार रुपये में लगभग 10 महीने बारी बारी सभी विषय आपको वीडियो क्लासेस के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे सभी अध्यापक। इसके अलावा वीडियो मिलेंगे, वीडियो क्लासेस, क्या क्या है इसमें वीडियो क्लासेस एक बार देख लेते हैं। वीडियो क्लासेस जो कि आप 5 बार देख सकते हैं। ऑफलाइन संस्थान में क्या है, किसी कारण से अगर आपका छूट गया, नहीं जा पाए, बीमार हो गए, तो उस अध्यापक की उस लेक्चर को आप दोबारा नहीं सुन सकते हो। जिसके लिए आपने 1.5 से 2 लाख रुपए पे किया है, आप एक ही बार सुनते हो 2 से 2.5 घंटे के लिए और इंस्टीट्यूट से बाहर निकल आते हो। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं ज्वाइन कर पाए 2 से 4 दिन 5 दिन, तो पूरा का पूरा लेक्चर आप नहीं ले सकते और वहाँ आप जिद भी नहीं कर सकते, नहीं फ़ोन करके परेशान कर सकते कि अध्यापक महोदय आप मुझे फिर से पढ़ाइए, मैंने फीस दी है। ऑनलाइन में तो नखरे मैं देखता हूँ छात्रों के बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर 5 बार आप देख सकते हैं वीडियो क्लासेस को, और ये सुविधा सिर्फ टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में फिलहाल उपलब्ध है। अधिकतर लाइव क्लासेस चलाने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं ऑनलाइन, वहाँ पर आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, पे करके भी सिर्फ 1 बार देख सकते हैं। क्या हम इन बातों पर गौर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वीडियो क्लासेस साथ में PDF नोट्स है ना, PDF फाइल में आपको नोट्स भेजे जाएंगे वीकली, प्रत्येक सप्ताह जो पढ़ाया जाता है वो 1 सप्ताह के बाद आपको नोट्स दिया जाता है। प्रत्येक सप्ताह जो भी पढ़ाया गया उस पर न केवल पूरी परीक्षा के लिहाज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि मेंस एग्जाम के लिहाज से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके उत्तरों को चेक किया जाता है। तो आप बताइए, आप ऑफलाइन संस्थान में जाना चाहेंगे या ऑनलाइन संस्थान में? और अगर आपने ऑफलाइन संस्थान में 1.5 से 2 लाख रुपए देकर कोचिंग कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, वहां से पढ़ाई करके निकल चुके हैं IAS की तैयारी के लिए, तो भी क्या जब आप 1.5 से 2 लाख रुपए देकर तैयारी कर चुके हैं, तो क्या आपको 7 से 8 हज़ार रुपये फीस देकर हमारे साथ फिर से रिवाइज नहीं करना चाहिए? क्या यहाँ पर ज्वाइन ना करना नासमझी नहीं है? आप सोच कर देखिएगा, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, 12वीं पास हो रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक मौका है। क्यों ना अभी से लग जाएं? क्यों हम ग्रेजुएशन पास होने का इंतजार करें? जब शर्ट पैंट और शूज जितने पैसे में हम खरीद लेते हैं, उतने पैसे देकर अगर अच्छे अध्यापकों का सानिध्य प्राप्त होता है, अच्छे स्टडी मटेरियल प्राप्त होते हैं, रोज़ रोज़ पढ़ाई हमारे साथ करके आपके भीतर एक नैतिकता के साथ साथ अच्छी बातों के साथ साथ नियमितता का भी विकास होगा, जिससे आपके भीतर रेगुलरिटी का विकास होगा। आप हमारे देश के समाज, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, समाज का अध्ययन करेंगे, क्या इसमें कोई बुराई है? नहीं। आप IAS की तैयारी न भी करते हो, अगर करना चाहते हो भविष्य में, अगर वर्तमान में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब भी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। आइए, हमारे बैच को आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 5 अगस्त तक एडमिशन अभी भी खुला हुआ है, जैसा कि मैंने कल बताया था, और अगर आप चाहेंगे, कोई समस्या आएगी, तो हम इसे 6 अगस्त भी कर सकते हैं। आप विश्लेषण कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। मैंने 2020 तक का लक्ष्य बनाया है, मुझे एक व्यक्ति चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति, जो मेरे साथ 2020 की परीक्षा का रिजल्ट 2021 में आएगा और 2021 की परीक्षा का रिजल्ट 2022 में भी आएगा। जो व्यक्ति अगले 2 सालों में मेरे साथ यहाँ खड़ा होकर कह दे कि नहीं, आलोक सर का योगदान है मुझे बनाने में, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 2020 की परीक्षा को लक्षित किया गया है। फिलहाल GS का ऑनलाइन बैच प्रारंभ है, जिसमें 6 अगस्त, ऐसे तो मैं 5 अगस्त ही बोला हूँ, लेकिन कोई छूटा हुआ होगा रिक्वेस्ट करेगा, नीचे फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं।
हमारी काउंसलर से संबंधित जानकारियां मांग सकते हैं, हमेशा मांग सकते हैं आप। तो 2020 तक की परीक्षा को लक्ष्य किया गया है। अभी जीएस का ऑनलाइन बैच चल रहा है, जीएस के साथ साथ मैंने बताया कि जीएस के साथ साथ इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी, हिंदी जो कि कंपलसरी है आईएएस में, और यूपी पीसीएस की परीक्षा में उसके नंबर 150 अंकों का होता है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में हिंदी, तो हिंदी का भी यहाँ पे अध्ययन कराया जाएगा, निबंध का भी अध्ययन कराया जाएगा। यानी जीएस के चारों प्रश्न पत्रों के साथ साथ न केवल प्री कमेंस बल्कि हिंदी प्रश्न पत्र, अंग्रेजी प्रश्न पत्र और निबंध प्रश्न पत्र की भी समग्र की तैयारी एक साथ यहीं पर होगी अगले एक सालों तक। अभी भी वक्त है, आइए। नमस्कार।